देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज सुबह निधन हो गया। सुबह के 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा निष्काम कर्मयोगी की प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। आपको बता दें कि हीराबेन 100 वर्ष की हो चुकी थी और बीमार चल रही थी। हीराबेन का इलाज अहमदाबाद के अस्पताल में चल रहा था। गुरुवार को ही गुजरात सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि उनकी हालात में सुधार हो रहे हैं, उन्हें 1-2 दिन में छुट्टी दी जा सकती है। पीएम मोदी भी अपनी मां के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल पहुंचे, जहां हीराबेन भर्ती थी। उन्हें सांस लेने में परेशानी और ब्लड प्रेशर की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गौरतलब है कि पीएम मोदी की मां हीराबेन गांधीनगर शहर के पास रायसन गांव में प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती थी। प्रधानमंत्री नियमित रूप से रायसन जाते थे और अपनी अधिकतर गुजरात यात्राओं के दौरान अपनी मां के साथ समय बिताते थे। हम देश को प्रधानमंत्री देने वाली मां को सशत नमन करते हैं।